और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। इस इजलास में लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि काबीना को इलाकाई अमन, खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा काबीना मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी मुश्किलात और पार्लिमानी मामलात पर बात करेगी और मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का जायजा लेंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड की तकरीरी की मंजूरी दी जाएगी। इस मौके पर काबीना अरकान को कौमी राबता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान मेंबर बजट कमेटी तैनात करने का मामला काबीना एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा इरसा की जानिब से पानी के बहाव की टेलीमेट्रिक के जरिए मॉनिटरिंग की मंजूरी एजेंडे में शामिल है।